एक दिन एवेंजर्स हेडक्वार्टर पे मीटिंग चल रहा था जहाँ पे सारी एवेंजर्स एक दूसरे के साथ बात कर रही थी और तभी वहाँ पे निक फ्यूरी आ जाते हैं और वो बोलता है हमारे टीम पे एक नया मेंबर आ रहा है। लेकिन निक फ्यूरी के बात सुन के किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्पाइडरमैन काफी एक्साइटेड होता है कि क्या सच में हमारे टीम में एक नया मेंबर आ रहा है। और ब्लैक स्पाइडरमैन भी काफी एक्साइटेड होता है और बोलता है अगर वो मेंबर लड़की हो तो सबसे पहले मैं उसे पटा लूंगा। और फिर निक फ्यूरी बोलता है वो जो नया मेंबर है वो एक लड़की है और वो एवेंजर्स के सबसे खूबसूरत मेंबर होने वाला है। और निक फ्यूरी के बात सुन के ब्लैक विडो रो देता है और वहाँ से चला जाता है कि मुझसे भी खूबसूरत मेंबर आ रहा है। और फिर निक फ्यूरी उस मेंबर का इंट्रोडक्शन कराता हुआ बोलता है ये जो मेंबर आ रहा है ये मेंबर एवेंजर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे खूबसूरत मेंबर होने वाला है। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो जो नया मेंबर है वो और कोई नहीं बल्कि कैप्टन मार्वल होता है। और कैप्टन मार्वल को देख के सारी एवेंजर्स चिल्लाने लगता है और फिर कैप्टन मार्वल बोलता है क्या चल रहा है एवेंजर्स आप टेंशन मत करो क्योंकि आप मैं आ गई हूँ और थानोस बेंगन को मार मार के धरती को दोबारा से बसा लेंगे। और कैप्टन मार्वल के बात सुन के सारी एवेंजर्स कैप्टन कैप्टन करके चिल्लाने लगता है। और तभी वहाँ पे कैप्टन अमेरिका आ जाते हैं और वो गुस्से में बोलता है कि तुम लोग भूल गई हो कि इस टीम पे केवल एक ही कैप्टन है और वो है कैप्टन अमेरिका यानी कि मैं। और कैप्टन अमेरिका के बात सुन के कैप्टन मार्वल को काफी गुस्सा आ जाते हैं और वो कैप्टन अमेरिका के पास जाते हैं और अब इन दोनों आमने सामने होके एक दूसरे को देख के काफी जलन फील करता है और गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं और जिसको देख के सारी एवेंजर्स घबरा जाते हैं। और ड्रैक्स बोलता है गाइस ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ, अगर तुम लोग चिल्लाते नहीं तो ये सब नहीं होते। और वो दोनों आग बबूला होने के बाद एक दूसरे से फाइट करने लग जाते हैं और उनके फाइट देख के वहाँ पे स्टैनली और जैक किर्बी आ जाते हैं। और फिर जैक किर्बी बोलता है स्टीव मैं तुम्हें इसीलिए नहीं बनाया है कि तुम खुद के ही टीम से जलन फील करो। स्टैनली बोलता है कैरल मैं तुमसे काफी नाराज हूँ। और फिर कैप्टन अमेरिका बोलता है ये सब मैंने नहीं किया, ये सब तो इसने किया क्योंकि इसे पता ही था कि मैं कैप्टन हूँ, लेकिन इसको पता होने के बावजूद भी ये मेरे जगह लेके कैप्टन बनना चाहता था। फिर कैप्टन मार्वल बोलती है ये सब मेरी नहीं इसकी गलती है क्योंकि मैं स्पेस में रहकर सारी दुनिया को बसाता हूँ लेकिन ये सिर्फ घर में बैठकर आराम करता है और खुद को कैप्टन बोलता है। और कैप्टन मार्वल की बात सुन के कैप्टन अमेरिका को काफी गुस्सा आ जाते हैं और बोलता है तुम्हारे हिम्मत कैसे हुई मेरे ही हेडक्वार्टर पे आकर खुद को कैप्टन बोलने की। और ऐसे ही इन दोनों के बीच में बहस बढ़ती जा रहे थे और दोनों ही कैप्टन का टाइटल लेने के लिए आपस में झगड़े कर रहे थे। और इन दोनों को ऐसा झगड़ा करता हुआ देखकर स्टैन एंजेक गुस्से में बोलता है तुम दोनों झगड़ा बंद करोगे या फिर तुम दोनों को मार्वल यूनिवर्स से हमेशा के लिए मिटा देंगे। और उन दोनों का ऐसा बात सुन के कैप्टन अमेरिका और कैप्टन मार्वल ना चाहते हुए भी एक दूसरे से हाथ मिला लेता है और जिसको देख के स्टैनली बोलता है चलो एक फोटो लेते हैं। जैक बोलता है ऐसा तुम लोगों को बुरा देख रही है स्माइल करो और फिर वो दोनों ना चाहते हुए भी स्माइल करते हैं। और फिर स्टैनली बोलता है गुड वेरी गुड आप तुम दोनों को काफी अच्छी लग रही है और ये बोल के वो उन दोनों का फोटो खींचते हैं और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाते हैं। तो हेलो गाइस वीडियो को कैसा लगा कमेंट पे जरूर बताना और वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना।